पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी नवरात्र की धूम देखी जा रही है। पूरे जिले में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ साथ डांडिया और गरबा का क्रेज बढ़ा है और इसकी धूम पूरे भागलपुर में देखी जा रही है। भागलपुर के अलग अलग जगहों पर लगातार डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और युवक एवं युवतियों की खासी भागीदारी देखी जा रही है। भागलपुर में म्यूजिक की धुन पर लगातार लोग डांडिया खेलते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में एक स्थानीय होटल में थिरकिन डांस एंड फिटनेस एकेडमी के संचालिका अनीता अनवर के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व महापौर बिना यादव, पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर, संस्था की संचालिका अनीता अनवर एवं अन्य महिलाओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं थिरकिन डांस एंड फिटनेस एकेडमी की संचालिका अनीता अनवर ने इन सम्मानित महिलाओं का स्वागत अंग वस्त्र एवं बुके देकर किया। डांडिया कार्यक्रम में महिलाएं डीजे की धुनों पर थिरकती नजर आईं। डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के कार्यक्रम द्वारा रेट्रो डांडिया का आयोजन किया गया है। इसके तहत भागलपुर की तमाम महिलाएं, और ये प्रोग्राम सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसलिए भागलपुर की सभी तमाम महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। और जिस तरह माता रानी काशी को आरती करके अब यहाँ एंजॉय करने के लिए आई है, और मैं चाहती हूँ सब लोग एंजॉय करें और खुल के डांडिया का। पूरे देश में नवरात्र की धूम चल रही है और भागलपुर में भी आज थिरकिन डांस एकेडमी के द्वारा आज डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से आज यहां पर भी गरबे और डांडिया की धूम मचने वाली है। भागलपुर की महिलाएं आज देवी की आराधना के साथ साथ डांडिया उत्सव में भाग ले रही है। मैं अपनी ओर से थिरकिन डांस एकेडमी की अनीता अनवर जी को, यहाँ उपस्थित हैं बलिदान डॉक्टर बीना यादव जी, सुप्रिया जी और सभी टीम के सभी सदस्यों को मैं नवरात्र की बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ तो शुरू की तरह होती है, आप खुश रहिएगा, समाज खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा, देश खुश रहेगा, देश खुश रहेगा तो राष्ट्र खुश रहेगा। दुर्गा पूजा की सुनहरी यादों के साथ भारत वर्ष को सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है दुर्गा माँ, और साथ में बुराई पर अच्छाई का भी प्रतीक है, हर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। और फीमेल आइकॉन अनीता अनवर, कक्कू अनवर, जो थिरकिन डांस एकेडमी के डायरेक्टर है, जिसके द्वारा ये डांडिया कार्यक्रम किया गया है। और नारी तो प्रकृति का बेटी है, सृष्टि की परम सौंदर्यमयी कृति है, ढेर सारी शुभकामनाएं। भागलपुर शाहकुंड माउंट जॉन एकदमी स्कूल में पढ़ने वाले 8 वर्षीय लक्की कुमार पिता सौरभ कुमार ग्राम लोवालगान थाना चौसा जिला मधेपुरा के रहने वाले बच्चे की मौत हो गई। सौरभ कुमार के दोस्त विपिन कुमार जायसवाल के भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। विपिन कुमार जब अपने बच्चों लेने स्कूल पहुंचे तो स्कूल में कोई नहीं था। स्कूल प्रबंधक को फोन किया, तब प्रबंधक ने जानकारी दिया कि आपका दोस्त सौरभ कुमार के बच्चे का तबीयत खराब है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। सौरभ कुमार के बड़ा बेटा इसी स्कूल में रहकर पढ़ाई करता है, उसको भी जानकारी नहीं दिया गया था कि तुम्हारे भाई का तबीयत खराब है। सौरभ कुमार और उसकी पत्नी ममता कुमारी आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचे तो बच्चों को मृत पाया। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। स्कूल प्रिंसिपल ने पोस्टमार्टम के नाम पर झांसा दे रहा था कि अभी पोस्टमार्टम नहीं होगा। सौरभ कुमार इस पर अड़ गया कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे। सौरभ कुमार का कहना है कि हमारे बच्चे को स्कूल में ही मार दिया गया था, उसके बाद शाहकुंड हॉस्पिटल लेकर गया था। शाहकुंड हॉस्पिटल में जाकर हमने पता किया, कोई एंट्री नहीं है। एसएफएल जांच के लिए पहुंची थी। सौरभ कुमार का मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीसी कैमरा देखा, मेरे बच्चों को कंधे पर ले लेकर स्कूल से निकल रहा है। मेरे बच्चे का स्कूल में ही मौत हो गया था, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। वाई इस मामले को लेकर सौरभ कुमार ने एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसमें सूचना मिलने पर थाना प्रभारी डीएसपी अनमेरे द्वारा भी घटनास्थल विजिट करके जांच किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी उधर पहुंच करके फॉरेंसिक कुछ सैंपल भी लेके गए थे, उसमें भी जांच हो रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी जांच हो रही है, इसमें तकनीकी जांच हो रही है, जल्दी इसमें उद्भेदन हो जाएगा।
थैंक यू सर। आरोप लगाए हैं आप प्रबंधक, स्कूल प्रबंधक पर। 2 अक्टूबर 2024 की घटना है सर। मेरा माउंट जॉन एकेडमी किरणपुर शाहकुंड जिला भागलपुर के अंतर्गत आता है, उस विद्यालय में पढ़ता था। मेरे 2 लड़के हैं, बड़े लड़के उज्ज्वल आनंद हैं, दूसरा लड़का सर लक्की आनंद है। और लक्की आनंद को जो वर्ग 3 का छात्र था और उसे विद्यालय प्रबंधक के द्वारा मार मार के हत्या करके उसको जान मार दिया गया सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर सौरभ कुमार। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? इसकी जानकारी सर मेरे गांव के विपिन भैया हैं, विपिन कुमार जायसवाल, उनका भी बच्चा वहां 2 लड़का पढ़ता है सर। वो गए थे अपने बच्चे को लाने के लिए, संयोग से हम लोग भी साथ जाते थे, लेकिन हम पेशा से टीचर हैं सर, जिसके कारण हम सर विद्यालय छोड़ कर नहीं जा सके। यहाँ से डेड बॉडी को ही लेकर चलाया था यहाँ, बोला के नर्सिंग होम। विपिन भैया के द्वारा जानकारी हुआ कि तुम्हारा लड़का का तबीयत सीरियस है, विद्यालय से कॉल भी आया है। हम बोले विद्यालय से नहीं आया है, हम सोचे विपिन भैया के साथ हम नहीं आए हैं, विपिन भैया हो सकता मजाक में बोल रहा है। लेकिन जब विपिन भैया का बात में घबराहट देखे तो हमको लगा कि नहीं कोई जरूर बात है। विपिन भैया को हम पूछे कोई बात सीखी हो, तो बोलते हैं कि हाँ लक्की तबीयत सीरियस जल्दी है, तुम स्कूल जल्दी तुम अथी करो, तुम जल्दी से निकलो भागलपुर के नर्सिंग होम पहुँचो। आदमी हम यहाँ के नर्सिंग होम पहुँचे, के नर्सिंग होम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बाहर में के नर्सिंग होम के 150 मीटर दूर में एक मैजिक गाड़ी थी पुरानी ऐसी, उस मैजिक में पीछे वाली सीट पर बॉडी रखा हुआ था। एनसीसी ग्रुप भागलपुर के अधीन 2 बिहार गर्ल्स बटालियन भागलपुर द्वारा किए जा रहे एडवांस लीडरशिप कैंप के 11वें दिन आज एनसीसी बिहार एवं झारखंड निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल एएस बजाज द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने एनसीसी के चुनिंदा कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात कैंप डायरेक्टर ब्रिगेडियर संदीप चोपड़ा, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप भागलपुर तथा कैंप कमांडेंट कर्नल दिनेश कुमार ने एडवांस लीडरशिप कैंप के बारे में विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद ओटीपी बरौनी कैंप प्रांगण के अंदर विभिन्न सुविधाओं का तथा मूलभूत आवश्यकताओं के सुधार हेतु एक विस्तृत प्रेजेंटेशन कर्नल सत्यनारायण बी कमान अधिकारी 17 बिहार बटालियन सहरसा द्वारा दिया गया। जनरल बजाज ने एनसीसी कैडेटों से उनके लंच के दौरान उनके बीच ही खाना खाया तथा सभी कैडेटों से वार्तालाप करके उनके रहने व खाने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। ये बड़े ही गर्व की बात है कि मेजर जनरल एएस बजाज साहब ने स्वयं ही एसएसबी के दौरान होने वाले इंटरव्यू से संबंधित विभिन्न तकनीकों की जानकारी 2 घंटे तक से ज्यादा समय तक विस्तृत क्लास लेकर एनसीसी के कैडेटों दी। उन्होंने एनसीसी कैडेटों को एसएसबी इंटरव्यू को पास करने के बहुमूल्य मूल मंत्रों का पिटारा खोलकर विधिवत समझाए, जिससे सभी कैडेट्स के बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास में भरपूर इजाफा हुआ।